फ्रेंड्स, मैं गायत्री अपने चैनल में आपका सभी का स्वागत करती हूं। और चलिए रामेश्वरम के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मैंने देखा रंगोली बना रही थी लेडीज़, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया। और यहां पर कंपलसरी है रंगोली बनाना आंगन में, पहले आंगन को धो के फिर रंगोली बनाई जाती है। तो मैंने इनसे थोड़ी सी बात भी करी थी, तो इन्होंने बताया कि ये हमारे रूटीन का है रंगोली बनाना, मतलब मॉर्निंग में सुबह रंगोली बनाना। ये 5 बजे का समय था। मैंने देखा उड़ीसा में भी इसी तरह से रंगोली बनाई जाती है आंगन में, और यहाँ पर रामेश्वरम में भी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। और आगे हम बढ़े तो मैंने देखा कि कुछ संत लोग जा रहे थे, महात्मा लोग थे जो जा रहे थे, तो उनके चारों तरफ लेडी से परिक्रमा कर रही थी। तो वही मैंने देखिए लिया है, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा नहीं ले पाई हूँ मैं। और बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छी ध्वनि गूंज रही थी। बहुत ही सुंदर लगी थी, बहुत ही अच्छा था, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हम यहाँ गेट पे पहुँचे हैं, राम मंदिर का गेट है 22 कुंड वाला, जहाँ पर कुंड बने हैं और वहाँ पर नहाना पड़ता है, बाल्टियों से नहलाते हैं वहाँ के जो कार्यकर्ता है शायद वो। उसके बाद इस रास्ते से दर्शन के लिए जाना पड़ता है, तो हम लोग को पता नहीं था पहले, तो हम लोग सीधे दर्शन के लिए चले गए थे। और फिर बाद में दर्शन करने के बाद हम लोग को 4 या 5 घंटे बाद नंबर आया था हमारा। उसके बाद फिर हम लोग वापस रिटर्न होके फिर हम लोग कुंड में गए थे। तो आप जब भी जाओ तो पहले कुंड में जाओ, 22 कुंड में, उसके बाद आप दर्शन के लिए जाओ। तो यहाँ पर ये रामेश्वर मंदिर का मैंने बाहर का ही लिया है वीडियो, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं था मोबाइल लेकर। तो मोबाइल और पर्स हम लोगों ने सभी ने बाहर रखे थे, तो बस मैं इतना ही आपको दिखा सकती हूँ। और बहुत ही सुंदर मंदिर था। और जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम में, वहीं से ही दर्शन के लिए लाइन लगती है। और 4 से 5 घंटे हम लोग को लग गए थे। तो मैं थोड़ा सा क्लिपिंग बताऊंगी आपको, कोई मोबाइल लेके गया था तो उन्होंने थोड़ा सा वीडियो लिया था। ये देखिए मैं और मेरी ननद है। यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम फिर गए थे 22 कुंड में, वहाँ से नहाने के बाद होकर और ये धनुषकोड़ी के लिए निकल गए। और धनुषकोड़ी पहुंचने में हमें 15 से 20 मिनट लगे थे, यानी कि 19 या 20 किलोमीटर दूरी पे है। और जो ये आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर किसी समय में कॉलोनी बसी हुई थी, यहाँ पर प्लेटफॉर्म था, रेलवे स्टेशन था, रेल लाइन जा रही थी। जहाँ हम आज बस से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, वहाँ ट्रेन आती थी। तो 1964 में जो साइक्लोन आया था उसमें पूरा यहाँ पर तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ खंडर ही रह गए हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं बीच पर। तो यहाँ पर आप काव्या देख रहे हैं, काव्या जा रही है, और काव्या को मैंने यहाँ पर छोड़ के इसके पापा गए हैं, तो वो काव्या उसके पापा के पीछे जा रही है। और फिर मैं आगे निकल गई जहाँ मेन पॉइंट है राम सेतु का, वहाँ चलती हूँ मैं, वहाँ का आपको दिखाती हूँ थोड़ा एरिया। तो चलिए मैं आपको आगे ले जाती हूँ मेन पॉइंट पे। तो आप वहाँ देख रहे होंगे वो बना है, वहाँ पर है मेन पॉइंट, और मैं आपको साइड से लेके जा रही हूँ। तो यहाँ से साइड से 2 समुद्र देखने को मिलते हैं, जिसमें है एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से 207 किलोमीटर या 207 किलोमीटर दूरी पर ही श्रीलंका का बॉर्डर आ जाता है। तो जो वहाँ के जो बताने वाले हैं उन्होंने हमें इस तरह था, और टेलीस्कोप से आप मतलब वो बता रहे थे कि ये बॉर्डर दिखेगा वहाँ पर, तो हमने तो देखा नहीं था, लोगों को दिखा रहे थे तो मैंने सुना था वहाँ पर। तो इस तरह से मैं साइड से जा रही हूँ यहाँ से, और सही में 2 समुद्र आपको मिलते हुए दिखेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं वीडियो बनाते बनाते आ गई हूँ काव्या के पास में, जो काव्या पहले से ही बैठी हुई है और खा रही है तरबूज। यहाँ पर वो उसके पापा के साथ पहले से आके बैठ के और तरबूज खा रही है, और तरबूज में है मसाला। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये पाइनएप्पल और तरबूज। यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, तो सभी ने खाए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से पूरा देखना, समुद्र चारों तरफ, समुद्री समुद्र, और एक कोना छोटा सा बस। तो यहाँ पर ये मेरी दोनों बेटियाँ हैं, वो भी खा रही हैं, और जो मेरे रिलेटिव गए थे वो भी हैं। तो हम टोटल 22 लोग गए थे, मेंबर गए थे। तो ये देखिए काव्या को बहुत इंजॉय करा सभी ने, बच्चों ने बहुत इंजॉय करा। फिर हम चले गए थे बीच पर, और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए बीच पर। तो काव्या करी है मस्ती उसके दादा के साथ में पानी में, और सभी लोग यहीं पर हैं हम लोग, और यहाँ पर ये सभी लड़कियाँ मस्ती कर रही हैं पानी में, फुल इन्जॉय किया है सभी ने। कुछ समय के लिए रुके थे हम लोग यहाँ पर, आधा पौन घंटा ही, ज़्यादा समय के लिए नहीं रुके थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 5 बजे से पहले ही निकलना था और एक जगह और जाना था जो रास्ते में पड़ रहा था, क्योंकि सीधे हम लोग धनुषकोड़ी आए थे, उसके बाद रास्ते में था एक और स्थान जहाँ पर हम लोग को रुकना था, तो वहीं रुकेंगे अब इसके बाद हम लोग। यहाँ पर काव्या और उसकी कज़न दोनों मिलकर इस तरह से रेस से खेल रही हैं, और अब हम निकलने वाले थे यहाँ से, क्योंकि रास्ते में हम लोग कुछ छोड़ के आए थे, उसी को देखना था हम लोगों को।
तो यहाँ पर मैं हूँ और मैं फ़ोटो खिंचा रही थी, तो आप देख रहे हैं समुद्र कितना प्यारा लग रहा है और लहरें देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। लेकिन जब बोलते हैं ना कि जो जितना प्यारा और अच्छा रहता है उतनी ही तबाही लेके आता है, ये समुद्र जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही 1964 में जब ये साइक्लोन आया था यहाँ पर तब पूरी तबाही करके गया था और पूरा जो एरिया है पूरा ख़राब हो गया था यहाँ का। तो अब मैं जा रही हूँ एक जगह पर जहाँ आपको मैं बताऊँगी किस तरह से, यहाँ पर देखिए आप, ये है चर्च जो 1964 में सुनामी आया था उस समय पूरा बर्बाद हो गया है। देखिए आप यहाँ की दीवारें देखिए, पूरा देख के एकदम ऐसा लग रहा था इसको मतलब कैसा मंज़र रहा होगा उस समय। ये सिर्फ दीवारें रह गई हैं, वो भी कहीं कहीं पे हैं, कहीं कहीं पे बिल्कुल चली गई हैं दीवारें, और सामने वो चर्च है। और अभी ये पर्यटक स्थल बना दिया गया है, लोग बाग आते हैं यहाँ पर और 5 बजे के पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि ये एक तरह का भूतिया इलाका है, 5 बजे के बाद यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी यहाँ से निकल जाते हैं। तो आसपास सभी दूर दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, लेकिन 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं रुकता है, सब चले जाते हैं। तो हम लोग को भी जल्दी निकलना था, तो बस अब हम लोग बस यहाँ से सीधे हम लोग रामेश्वरम के लिए निकलेंगे। तो बस इतना हमने देखा यहाँ पर, आप देख रहे हैं चर्च को किस कंडीशन में है। धनुषकोडी का ये सफ़र मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में आपको क्या दिखाने वाली हूँ इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा और मेरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे, बाय।